जय मसीह की एवरीवन, मैं हूँ आरची। आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर वन है जो कि उसका सेकंड पार्ट। तो देर ना लगाते हुए जल्दी से इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया है, इंडिया जो था उसमें टोटली ब्रिटिश रूल कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे ब्रिटिश रूल ने सारे सेक्टर्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, उसके जो हमारी इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी है, उसके फीचर्स क्या रहे थे, मतलब कैसा सारा माहौल कैसा था। अब टोटली थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला फीचर है इसका स्टैग्नेंट इकॉनमी। देखो, स्टैग्नेंट जो होता है ना, इस वर्ड का मतलब है लिटल और नो ग्रोथ, ठीक है, लिटल और नो ग्रोथ, ठीक है। मान के चलते हैं कि या तो बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, पूरा का पूरा जो हमारा इकोनॉमी था वो एकदम कैसा था, थोड़ी सी ग्रोथ हो रही थी या फिर ना के बराबर की ग्रोथ थी। कैसे, देखो 1860 से 1925 के टाइम पीरियड में ना, पर कैपिटा इनकम जो चल रही थी, पर कैपिटा इनकम सबने पढ़ा है ना, नाइन्थ स्टैंडर्ड हमने देखा था कि नेशनल जो है GDP निकालते हैं, उनमें से फिर पॉपुलेशन को डिवाइड करके पता करते हैं कि पर जो हमारा पर्सन है उस तक कितना पैसा पहुंच रहा है, ऐसा फॉर्मूला रहता है, ये सारी चीजें करते हैं। तो वो कितना हो रहा था, 0.5% पर एनम, ठीक है। लेकिन लेकिन 1925 से लेकर 1950 तक के पीरियड में वो कितनी हो चुकी थी, 0.1%, मतलब कि बहुत ज्यादा कम हो गई थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भी कि नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स में आने वाला है, वो उसमें बता रहे हैं कि पर पर्सन कितना मिल रहा था पहले और बाद में कितना, तो ये सारी चीजें भी, ठीक है। तो इतना बुरा हाल था, आप देख सकते हो, ये इंडिपेंडेंस का टाइम है, 1947 में इंडिपेंडेंस था ना, तो इतना बुरा जो है सिचुएशन आ चुका था। बल्क पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, बल्क पॉपुलेशन मतलब बहुत कम लोग थे जो अच्छे खासी जिंदगी जी रहे थे, ज्यादा लोग जो थे हमारी पॉपुलेशन के वो कैसे थे, गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, ठीक है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बिल्कुल लो था। कैसे, मीन्स लोगों के पास अच्छे से घर नहीं थे, अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था उनके पास पीने के लिए, अच्छे से उनको इवन कि पानी पहुंचता भी नहीं था उन तक अच्छे से, बिजली नहीं थी, ठीक है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे उन लोगों के पास, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। तो यही सारी चीज़ें तो होती है जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती हैं, और जब लोगों के पास यही नहीं था तो क्या था उस समय में, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इन वजह से, क्योंकि पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स तक हर कोई अच्छे से नहीं जा पा रहा, एजुकेशन इतना अच्छे से नहीं है, इसलिए लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, जिस वजह से कि बार बार जो बीमारियां हैं या कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो रही थी। लोगों को सैनिटेशन के बारे में अच्छे से नहीं मालूम था, जिस वजह से कि एपिडेमिक्स यानी कि महामारियां और फेमाइंस, फेमाइंस होता है भुखमरी, ठीक है, तो भुखमरी, ठीक है, बिना भोजन के लोग कितने ज्यादा जो है डेथ हो रही थी उस चीज को, ठीक है। तो ये सारी चीजें बार बार आ रही थी, ठीक है। तो सेकंड फीचर है हमारे पास रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट का मतलब है कि मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे, ठीक है। तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन, बीओपी का मतलब है बल्क ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, बीओपी मीन्स बल्क ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन कैसे थी, पुअर थी, ये बात हमने पहले भी करी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने किसी ना किसी तरह लोगों को कम से कम थोड़ी बहुत रोजगार दे के रखी थी, कि वो जैसे भी जमींदारी सिस्टम में उनको एंगेज करके रखते थे, चाहे उन लोगों ने अपने लिए जो रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में वो बनवाते थे, कुछ भी, तो थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये मान के चला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था, ठीक है। उन लोगों के पास शेल्टर भी नहीं था, देखो घर भी नहीं था और ना ही कपड़े वगैरह अच्छे से होते थे, और इवन कि वो दो दिन का खाना, मतलब टू स्क्वायर मील, मतलब एक दिन में दो बार खाना भी उनके पास अच्छे से नहीं रह पाता। तो आप सपोज करो उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि तीन चीजें जिन्हें हम आज कहते हैं कि बेसिक नीड, रोटी कपड़ा और मकान, उन लोगों के पास वो भी नहीं था, नो शेल्टर नो क्लोथिंग एंड नॉट इवन दे हैव फूड, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस वहां पे उस समय में चल रही थी, दे डिडंट हैव फूड, दे डिडंट हैव क्लोथ्स नॉर शेल्टर, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीजें भी उन लोगों के पास नहीं थी। तो ये थे हमारे पहले दो पॉइंट्स, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, फटाफट से इनको कवर करते हैं।
ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है बैकवर्ड इकोनॉमी। मतलब टोटली आपको जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं ना, सारे के सारे ये बताते हुए लिखने हैं कि उस समय में पॉवर्टी थी। ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आ गया तो 7 से 8 या 9 पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, नहीं याद रहता है। तो बस आपको टाइटल राइटल थोड़ा सा याद रखना है, उसके अलावा इतना माइंड में रखना कि फीचर्स क्या रहे थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के। ये 5 मार्क में आने के चांसेस हैं, 6 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आने के चांसेस हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या था, एकदम से अंग्रेज सब कुछ तबाह करके गए थे, सारा कुछ छोड़ के चले गए, तो बिल्कुल ही कंडीशन जो थी खराब थी। ये बताना आपको पॉवर्टी थी, ये बताना आपको कि अच्छे से खाना भी नहीं था, ये बताना है कि बीमारियां थी, ये बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था, ये सारी चीजें बतानी है। बहुत ज्यादा जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है, थोड़ा सा सोच कर तो इन पॉइंट्स को याद रखना। सेकेंड है हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी। हमने पहले देखा कि एकदम खाना भी नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, तो क्या था, बैकवर्ड इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। ठीक है, क्या थी, पिछड़ी हुई। पर कैपिटल इनकम देखो आ गया ना 230 रुपीज, मतलब आज का अगर हम निकाल के देखेंगे ना, आपको ये होमवर्क देती हूँ, आप अभी जाकर देखना कि आज के टाइम में हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, और उस टाइम में आप देखो कितनी थी, 1947 से 1948 के टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 230 रुपीज, आई थिंक इससे ज्यादा आपकी स्कूल फीस होगी। ठीक है, तो उतना सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिल रहा था, ये एवरेज निकालते हैं। ठीक है, थीके? तो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, क्योंकि उस समय में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी अच्छी से इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी, पूरा का पूरा पानी के लिए वो किस पे डिपेंडेंट थे, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, क्या रहता था, 72% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब देखो 72% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर ही कर रही थी, बस ये लगी हुई थी बस पेड़ पौधे उगाने में ही। ठीक है, तो क्या था, लेकिन देखो 72% ऑफ पॉपुलेशन अगर इस चीज में लगी हुई है, तो कम से कम वो 72% तो जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट करें, लेकिन नहीं, वो 50% भी नहीं कर पा रही थी अच्छे से। मतलब सिर्फ और सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन था उनका जीडीपी में। ठीक है, मतलब जो वो पैसा कमा रही थी, वो देश के टोटल जितनी भी जो पैसा जनरेट हो रहा था देश में, उसका सिर्फ और सिर्फ कितना रह रहा था, 50%। तो मान के चलो देखो, देश की 72% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 50% जो है पैसा कमा पा रही थी, लेकिन बाकी बची हुई जो 28% पॉपुलेशन है वो 50% खड़ा कर रही थी पैसा। ठीक है, तो कौन सा अच्छा हुआ, यही वाला अच्छा हुआ ना। लेकिन ये 72% जब लगे थे तो इनको तो और ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, उल्टा चल रहा था। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो थी, इन लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था अपने पास अच्छा। ठीक है, तो क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी लो थी। और देखो 1 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर है, ठीक है, 1 हेक्टेयर के एरिया पे या तो 660 किलो की जो है कनक उगा पा रहे थे, या तो 665 किलो जो है चावल उग रहे थे। तो मतलब देखो कितना कम है ये अमाउंट, आज के टाइम पीरियड में जो किसान है वो मतलब टन्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय में इतनी कम प्रोडक्टिविटी थी, इतना कम था कि देखो कितनी कम कम जो है ये क्वांटिटी उगा रहे हैं। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है आजकल एक जो छोटा होलसेलर होता है शॉप वाला, उसके पास इतना हमें मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इतना ही उगा पा रहे थे। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ, प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ, मतलब बहुत मुश्किल से ही जो प्रोडक्शन था वो सब लोगों तक जो है वो पूरा पहुंच पाता था, मतलब कि पूरा हो पाता था। ठीक है, जरूरत ज्यादा की थी लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा था, बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ठीक है, एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था एज वेल एज जो इंडस्ट्रीज है वो भी पिछड़ी हुई थी। क्यों, क्योंकि कोई भी हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। आप अगर देखोगे ना तो जस्ट ऑन द टाइम ऑफ जो हमारा इंडिपेंडेंस है, उससे 4-5 साल पहले के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, उसी समय में हमारे इंडिया में आयरन की इंडस्ट्री लगी थी, जो कि टाटा वालों की थी, टिस्को जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही थी पहली इंडस्ट्री जो हमारे कंट्री में लगी थी। उसके पहले बहुत रेयर चांस है कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, नहीं ही थी। ठीक है, रेयर चांस नहीं, मतलब थी ही नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री कोई भी नहीं थी, वो पहली ही थी। उसके अलावा जितना भी हमारे पास जितना मशीनरीज है, सब कुछ, एवरीथिंग, मशीनरी, लोहा, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें जो हमें चाहिए है। ठीक है, क्योंकि जो आयरन है उसको बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, मेटल जो रहता है उसको बैकबोन कहा जाता है सारी इंडस्ट्रीज का, क्योंकि कुछ भी आप कपड़े की लगा लो, आप कार्स की लगा लो, आप फोन भी बना रहे हो, तो मतलब एवरीथिंग, हर चीज में जो मशीनरी यूज होनी है वो किससे बनेगी, मेटल से बनेगी, और अगर मेटल ही नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक
ठीक है। और हमारा इंडिया जो था उसके पास कोई मशीनरी की इंडस्ट्री नहीं थी, कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, छोटी 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 जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह की थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, और सपोज कर लो कुछ छोटा मोटा और कुछ बन रहा होगा उस समय में हमारी कंट्री में, उन सबको भी जो हमारा ब्रिटिश सरकार है उसने क्या कर दिया था, र्यून कर दिया था, सारा का सारा तबाह करके रख दिया था। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन जो थी वो नेग्लिजिबल थी, मतलब इतनी कम हो रही थी, अगर कोई मशीनरी प्रोड्यूस भी हो रही थी वो इतनी कम हो रही थी कि उसको ना के बराबर ही कह सकते हैं, नेग्लिजिबल होता है अराउंड जीरो के अराउंड ही मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इतनी कम की इनफ नहीं थी और वो जीरो के अबाउट में ही थी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, नो वर्चुअल एंड हैवी इंडस्ट्री, नेग्लिजिबल प्रोडक्शन ऑफ मशीन, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री र्यून्ड, तीन चीजें होंगी। देखो कितना बुरा हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ भी। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ बल्क ऑफ गुड्स अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, जिस वजह से कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स हम कहाँ से लेकर आ रहे थे, ब्रिटेन से इम्पोर्ट करवा रहे थे। ठीक है, मशीनरीज भी, ठीक है, उस समय में हमारे पास स्विंग मशीन्स वगैरह की भी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है, जो सिलाई मशीन होती है, साइकिल्स की भी नहीं थी, सपोज कितनी बैकवर्डनेस थी। ठीक है, और ये सारी चीजें हम कहाँ से ला रहे थे, ब्रिटेन से, फॉरन से इम्पोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन से, जहाँ के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया उन्हीं के देश से हम ये सारी चीजें इम्पोर्ट कर रहे थे। तो सपोज कितना ज्यादा बुरा टाइम चल रहा था, और आज का समय ऐसा है कि वी हैव, मतलब ऑलमोस्ट सारी तरह की इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में हमारे पास है। ठीक है, तो काफी जो है डेवलपमेंट भी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारे पास, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कोई ढंग से अच्छे से हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि लोग इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या थी, वो शेल्टर से पीछे खा रही थी, मतलब उनके पास शेल्टर तक नहीं था, घर तक नहीं थे। तो सपोज कर सकते हो उस टाइम में कितने ज्यादा कच्चे घरों का नंबर्स रहा होगा। ठीक है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा पुअर होने का मतलब है कि हमारे पास जो स्कूल्स वगैरह थे ज्यादातर वो कैसे थे, वो भी बस पेड़ों के नीचे लग रहे थे ऐसे ही। ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा जो है बुरा हाल था टोटली, आप सोच सकते हो इतने सारे पॉइंट्स अब तक आपने देख लिए। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट पावर वॉज लो, पावर शक्ति वाली पावर नहीं है, पावर का मतलब है लाइट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ठीक है, वो तो आपको मालूम है कि अब तक अभी के टाइम में भी कितने सारे हमारे इंडिया में ऐसे जो है गांव हुआ, ऐसी जगह है जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं पहुंची है। ठीक है, तो उस समय में भी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत कम ही इलाकों में थी, और उसके अलावा कम्युनिकेशन मतलब इतना ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था लोगों के बीच में, जो है टेलीफोन्स वगैरह उस समय में सबके घरों में नहीं होते थे, बहुत रेयर कहीं किसी एक गाँव में होता होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी, इवन की मैं बताती हूँ आपको, 1980s के टाइम की बात है, जब मेरे मदर मुझे बताते हैं कि उस समय में जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी जो हैं वो एक बार साइकिल लाए थे खरीद के, उनका मतलब जैसा भी उन्होंने, मेरी मदर के दादाजी साइकिल लेकर आए थे उस समय में, और तब पूरा जो गांव था वो देखने आया था कि हाँ साइकिल आया है, साइकिल आया है। तो आप सपोज कर सकते हो कि मैं 1980s की आपको बात बता रही हूँ, तो उससे पहले, उससे भी हम 30-40 years पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी ज्यादा वीक होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, ऑलराइट। और लो पावर जनरेशन कैपेसिटी, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की भी जो कैपेसिटी है ना वो भी नहीं थी। अब तो आपने देखा है कि कितने सारे डैम्स बन गए हैं, ठीक है, वो विंड मिल्स हैं बहुत सारे, लेकिन उस समय में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि देखो लोग जो है वो अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा पा रहे, बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पा रही है, तो इन सारी चीजों के बारे में सोचना तो थोड़ा दूर की बात हो जाती है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। तो हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स है, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन क्या करूँ। तो देखो हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, इवन की जो नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है, अब कपड़े तो सिलेंगे ही, तो स्विंग मशीन के लिए देखो मैंने आपको बताया था बाहर इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, आर्म्ड फोर्स में जितने हमारे आर्मी के हैं लोग, उनको जो चाहिए सब कुछ इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से, मशीनरियां बाहर से आ रही है, मेडिसिन तक हमारे पास नहीं थी। सपोज करो आप कैरोसिन ऑयल, उस समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दिए जलेंगे, लैंप्स जलेंगे, कैसे जलेंगे, कैरोसिन ऑयल से जलेंगे, और वो कहाँ से आएगा, फॉरेन कंट्री से। ठीक है,
उसके अलावा लिमिटेड अर्बनाइजेशन, बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो विलेजेस में रह रही थी, जिस वजह से कि जब वो लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, वो गांव में ही है, तो गांव में तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खेती करेंगे। तो इस वजह से भी हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर में ही फंसी रह गई, और इस वजह से भी बहुत ज्यादा जो है बैकवर्डनेस आ रही थी। ठीक है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, देखो अर्बन लोग शहर में कितने रह रहे थे, सिर्फ 14% लोग, और गांव में देखो रूरल में कितने रह रहे हैं, 86% लोग। और इसी वजह से रूरल पीपल लैक्ड अपॉर्चुनिटी अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा किसी और चीज में काम करना करने की अपॉर्चुनिटी इसी वजह से उन लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, अब गांव में तो कोई जाके इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, अगर छोटी बहुत कोई इंडस्ट्री थी भी, कुछ काम हो भी रहा था इसके अलावा, तो वो सब शहरों में हो रहे थे, जिस वजह से कि लोगों को शहर आने की जरूरत थी, लेकिन लोग कहाँ थे, गाँव में, और इन सारी चीजों की वजह से भी जो है बैकवर्डनेस हो रही थी। ठीक है, उसके अलावा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अब जो हमारी इकोनॉमी है ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो रही थी, ठीक है, ना तो पूरी तरह से फ्यूडल थी। फ्यूडल का मतलब है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और कैपिटलिस्ट का मतलब है कि पूरा तरह से प्राइवेटाइजेशन, एक तरह से आप मान लो। ठीक है, तो ऐसा दोनों नहीं हो रहा था, थोड़ा ये चल रहा था, थोड़ा ये चल रहा था, जिस वजह से कि मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी। क्या चल रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी, इसी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, ना तो ये, ना तो गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह से, ना तो पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, दोनों मिक्स था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, उसके अलावा कॉलोनियल इकोनॉमी थी अभी भी, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने, हमने देखा था कि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी जो वैल्यू है उसको गिरा दिया था, हमारा जो इंडस्ट्रीज है, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको हमारे खुद के इंडिया के मार्केट में भी क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। कैसे, एक बार फिर से बताती हूँ आपको, इसको रेस करके बताती हूँ एकदम से। देखो सपोज करो, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया, ठीक है, और ये मान लो कि फॉरेन कंट्रीज, ये फॉरेन कंट्रीज है, ये हमारा इंडिया है। क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ से अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर क्या था, इतना टैक्स लगा रहा था, इतना टैक्स लगा दिया था कि जिस वजह से जब वो चीज फॉरेन जाती थी तो उसका जो प्राइस होता था वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, और डिमांड क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, और इस वजह से ये तो भाई खत्म। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब वहां से फॉरेन से अगर कुछ सामान एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट होकर आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाया, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, फॉरेन से लाओ चादरें, कपड़े, क्या चाहिए और आपको, ठीक है, आपको खाना चाहिए, आपको सब्जियां चाहिए, मतलब इस तरह से सपोज करो आप कुछ मसाले वगैरह, ठीक है, सब्जियां नहीं मसाले वगैरह, तो वो सब वो कहाँ से ला रहे थे, फॉरेन से, जब यहाँ इंडिया में ला रहे थे, यहाँ से बाहर नहीं भेजने दे रहे थे क्योंकि टैक्स लगा रहे थे, वहां पे डिमांड जो थी वो कम हो रही थी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन वहां से कह रहे थे फ्री, फ्री में ले आओ, इम्पोर्ट करो, वहां के लोगों को आसानी हुई, फ्री में उन्होंने इंडिया में इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से कि इंडिया में इन चीजों का प्राइस क्या था, कम, और डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इन्होंने इतना ज्यादा इंडिया के मार्केट में वो सामान लाकर, मतलब बाढ़, बाढ़ ला दी, सपोज करो आप बाढ़ लाकर रख दी, तो जो हमारा जो है इंडिया का सामान इंडिया में बिकना बंद हो गया, क्योंकि उसका प्राइस जो हमारे इंडियन लोग जो कुछ भी बनाते थे, मेड इन इंडिया जो सामान होता था उसका प्राइस क्या था, ज्यादा था। इन्होंने इतना ज्यादा सामान ले आए थे कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया था, और डिमांड फिर बढ़ने लगी थी। अब लोग तो भाई ऐसा थोड़ी करेंगे कि नहीं भाई हम तो मेड इन इंडिया ही लेंगे, हम मेड इन ब्रिटेन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो है हमें अपने इंडिया को प्रमोट करना है। नहीं, उस समय पैसे की कमी हो रही थी, तो जो भी उनको सस्ता लग रहा था वो उस चीज की तरफ जा रहे थे, जिस वजह से कि हमारा खुद फॉरेन मार्केट में तो हमारा जो है बेड़ा गर्क हो ही गया था, लेकिन हमारे लोकल मार्केट में भी हमारा, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक होता है घर का, ठीक है, तो जो घर का मार्केट था इंडिया, वहां पर भी हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो गई थी। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कॉलोनियल इकोनॉमी में टोटली जो है र्यून हो गया था। ठीक है, तो ये थे 10 के 10 पॉइंट्स। क्वेश्चन आएगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बताओ मतलब कि क्या लक्षण थे, क्या चल रहा था, क्या नेचर था, कैसा था। तो ये सारे 10 पॉइंट्स हैं, 10 में से 7-8 लिख दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे अपनी जो है अपनी लाइंस बना करके इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, 6 के 6 नंबर आप ही के हैं। तो आगे चलते हैं, आप अरे फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, मतलब जो मर्जी कर लो इस चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है,
तो देखो फिर से आ गया वही चीजें, थोड़ा सा था मुझे लग रहा था इसमें पॉइंट्स हैं, तो ये बस मैंने ऊपर ऊपर की जो हेडलाइंस है वो आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एग्जाम में ऐसा आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बताओ, तो ये सारे पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। देखो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन होता है कि टोटल आउटपुट, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, ठीक है, क्योंकि लिख देती हूँ। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होता है उसका मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये भी कम था और ये भी कम था, दोनों ही चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। उसके अलावा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मैंने आपको बोला कि इरिगेशन फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी उन लोगों के पास, ठीक है। कोई अच्छे से कुआं नहीं था, कोई हैंडपंप्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था ढंग से, सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट थे, बारिश के ऊपर, ठीक है। टोटली अनसर्टेन था, अच्छी बारिश आ गई अच्छी फसल हो जाएगी, बारिश अच्छे से नहीं आई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा डोमिनेंस ऑफ सॉरी क्या है ये, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस का मतलब होता है ज्यादा होना, ठीक है। किसी चीज का जो है अमाउंट, मतलब भारी, डोमिनेंस होता है कि भार, किसी चीज को कम कर देना। तो ज्यादा जो चीज थी फार्मिंग में हो रही थी वो ये हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस, मतलब कि अपने लिए कर लिया, दैट्स इट, बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही प्रोड्यूस हो रहा था कि अपना गुजारा हो रहा है, बेचने के बारे में लोग नहीं सोचते थे। सब्सिस्टेंस होता है सिर्फ सेल्फ के लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे थे, किसी भी तरह से कमर्शियलाइजेशन उनमें नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स, हमने देखा था कि ओनर्स अलग लोग थे, टिलर्स अलग थे। ओनर्स कौन थे? जमींदार। और टिलर्स कौन थे? जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में इतना बड़ा जो है कह सकते हैं कि खाई बन गई थी, ठीक है। गल्फ का मतलब है बहुत बड़ी खाई बन गई थी। सपोज करो यहाँ पे ओनर खड़ा है, यहाँ पे टिलर खड़ा है, और दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बहुत बड़ी खाई थी कि इसको पार करके यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि ये लोग जो थे वो बहुत बड़ा पेट फुलाकर रिच हो चुके थे, लेकिन ये बेचारे जो टिलर हैं ये सूखी हड्डी हो रखे थे, तो वहां तक पहुंचना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, अगर किसी के पास अपनी जमीन भी थी ना तो कैसे थी कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, मतलब के थोड़ी सी जमीन, सपोज ये पूरा का पूरा इलाका है, ठीक है, मेरी थोड़ी सी जमीन यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, काम करते हैं, किसी की यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ऐसे में क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन यही अगर मेरी इतनी इतनी जमीन एक ही जगह पे होती तो मेरे पास इतनी जमीन होती और इस पे मैं अच्छे से खेती एक ही जगह पे कर पाती, क्योंकि कभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, कभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, कभी यहाँ पे जा रही हूँ, कभी यहाँ पे, तो आने जाने में ही मेरा कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। इस वजह से भी जो है प्रोडक्शन लो हो रही थी, इसीलिए इन सारी चीजों को जब ठीक किया गया तो सबसे पहला काम यही किया गया था, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि ये जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स थी ना, इन सबको जो है यूनाइट कर दिया था, ठीक है, ये बात की बात है। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू, हमने देखा था कैसे कैसे टैक्स ले रहे थे, उस वजह से पहले ही ये बेचारे इतने ज्यादा इनकी हालत खराब हो रखी थी, ठीक है। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, जो किसान थे उनको जबरदस्ती बोला जा रहा था कि आपको, क्योंकि उस टाइम का जो मार्केट था उसमें डिमांड थी कॉटन की, ठीक है, वीट की, जूट की, इन सारी चीजों की, लेकिन उनको जबरदस्ती बोला जाता था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, आपको क्या उगाना है, इंडिगो। 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, एज वेल एज अभी आपको एक शायद इंग्लिश का भी एक चैप्टर है, ठीक है। तो उनको जबरदस्ती इंडिगो उगाया जाता था, और इंडिगो उगाने के बाद क्या हो रहा था कि जो उनकी लैंड है ना उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लैंड फर्टाइल नहीं रह पा रही थी इंडिगो उगाने के बाद, ठीक है। तो यह था एग्रीकल्चर सेक्टर, आगे चले। रुको रुको, अभी मैं देख के आई हूँ, अभी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, बहुत ही ज्यादा इजी चीजें, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट पार्ट्स थे इस चैप्टर के आपने सारे कर लिए हैं, ठीक है। यू आर हाफ वे देयर, मतलब हाफ से भी ज्यादा हम एंड तक पहुंचने वाले हैं, बस एक और पार्ट, आज का ये सेकेंड पार्ट, अच्छा लगा हो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, थर्ड पार्ट भी आ रहा है जल्दी ही। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे हम थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे, अरे भाई ब्रिटिश इतना भी बुरा नहीं करके गए थे, ठीक है, और थोड़ा बहुत और है इसके अलावा, आई थिंक इंडस्ट्रियल सेक्टर देखना आपको थोड़ा सा, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। इतना जितना करवाया है लिख के देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स में डालो, आई विल एक्सप्लेन, कुछ जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ लग रहे होंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मैं यही बात बोलूंगी, नोट्स बनाओ, इन पॉइंट्स में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको खुद इंग्लिश में, अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आप हिंदी में उस चीज को एक्सप्लेन करके लिखने का ट्राई करो, जरूर हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर. ओके, बाय बाय, टेक केयर.